Okay, guys, I'm doing this full time now. I was an engineer with TCS. मैंने जनवरी में जॉब छोड़ दिया. मैं फुल टाइम करता हूँ. वो दोस्त चढ़ा देते हैं. अच्छी खासी जॉब थी यार मेरी. मैं टैक्स वैक्स देके खुश था मैं जिंदगी में. मेरा कलीग था ऑफिस में, कहता प्रत्युष तू स्पेशल है यार. जॉब छोड़, पैशन फॉलो कर अपना. मैंने जोश जोश में छोड़ दी. आज मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं है और मेरे पीछे सुनामी का प्रमोशन हो गया है. कॉल किया तो उसने कहा यार गुड़गांव में 2 BHK खरीदा मैंने, रेंट पे रहेगा. अच्छा मैं जब जॉब कर रहा था ना तभी कुछ खास चल नहीं रहा था मेरा. जैसे मेरे ऑफिस में मेरा बॉस था, मुझे हर मीटिंग के आके मीटिंग के बाद आके बोलता प्रत्युष यार तुम मीटिंग्स में इनपुट ही नहीं देते. तुम्हें मीटिंग्स में हर 2-2 मिनट पे आ गया है, कुछ बोलना चाहिए. मेरे समझ नहीं था मीटिंग में बैठा हूँ माता के जगराती में बैठा हूँ. हर 2 मिनट जोर से बोलो जहां माता के. मेरे ऑफिस में कलीग्स थे वो अलग पागल लोग. वो ना मेरे को बॉस के साथ ज्यादातर बैठा हुआ देख लेते थे ना, पागल हो जाते थे. BPI हो जाता था. क्या क्या कह रहे थे बॉस? क्या कह रहे थे? अपनी प्रॉपर्टी कर रहा है मेरे नाम. कह रहा है संभाल नहीं रही मुझे, तुम देख लोगे और मेरे छोटे वाले बेटे को भी पाल लो. माँ और बाप दोनों का प्यार देना उसे. अच्छा मैंने जॉब छोड़ दिया तो ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करता, अपना टाइम बहुत यूटिलाइज करके चलता हूँ. जैसे लास्ट वीक ना मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था जबकि मेरे अपने बच्चे हैं भी नहीं. मना कर रहे थे अंकल नहीं जाना, अंकल नहीं जाना, संडे है आज. बट मैं छोड़ के आया. अच्छा आई कैन क्लियरली सी ना कि जैसे आप लोग को समझ में आ रहा स्टैंड अप कॉमेडी कॉमेडियन, तुम लोग शो देखने आयो. दुनिया समझती नहीं है यार. मेरे फादर इन लॉ को पता चला ना कि मैं जॉब छोड़ के अब ये सब कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी एंड ऑल, उनको लगता है मैं लोगों की आवाजें निकालता हूँ. वो सब कुछ जा के बता रहे हैं, हमारा दिमाग तो 50-50 आवाजें निकाल लेता है. उनकी 25th एनिवर्सरी थी, बनारस में रहते हैं वो लोग, तो मेरे को बुला के परफॉर्म कर दो. मैं स्टेज पे चढ़ा मुझे खांसी आ गई, ऑडियंस चिल्लाने लगी अशोक कुमार. दम शराब थोड़ी खेल रहा हूं यार. ऑडियंस ना चिट में लिख लिख के रिक्वेस्ट आ रही थी कि बताओ संजय तक डांस कैसे करता है. मुझे क्या पता ड्रग्स लेके करता हूं कैसा डांस. बट मुझे लगा अब तो मेरा ये प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशनल कॉमेडियन हूं तो मैं ऐसे शो खराब नहीं कर सकता, तो शो तो करना है. तो आई स्टेप्ड अहेड एंड आई सेड कम ऑन बनारस मेक सम नॉइस. मोदी मोदी चिल्लाने लगे यार वो लोग. अलग ही क्राउड था. देखो आई परफॉर्म इन बार्स एंड क्लब्स, तो आई हैव परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल हु आर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, बट वो सारे गुटखा खा रहे थे. इतना भी मैं झेल गया. बट फिर मैंने देखा ना स्टेज के पास एक बाप बेटा बैठे थे और बाप अपने बेटे से बोलता है देखो अभी ना भैया कॉस्ट्यूम पहन के आएंगे बड़ा मजा आएगा. फिर मेरे समझ में आ गया इनके पास का नहीं है ये सब. तो मैं स्टेज से उतर गया तो मेरे फादर इन लॉ वापस मेरे पास आते हैं मुंह बना के एकदम, कहते बेटा जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी.